हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल रेस्टिंग रियलिटी। सो गाइस आज के वीडियो में हम कुछ प्रेडिक्शंस लेके आए हैं समर स्लैम के लिए। तो गाइस केवल प्रेडिक्शंस है, इसे कंफर्मेशन ना समझिएगा। बट आगे चलने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस वीडियो करते हैं हम शुरू और स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ा मैच CM Punk से रिलेटेड। तो गाइस CM Punk की राइवलरी अभी चल रही है, वो चल रही है ड्रू मैकइंटायर के साथ में, इसीलिए हमने मैच कंफर्म समझा है कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk समर स्लैम मैच में होगा। और इसमें जिसके विनर होंगे वो आप मुझे पता कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप यहाँ पर मैच किसको जीताना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है ना कि यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ये मैच जीतेंगे, क्योंकि इनकी रैली जिस तरह से ड्रू मैकइंटायर लास्ट टाइम से हारते हुए आ रहे हैं वो भी CM Punk की वजह से, तो वो कुछ अलग ही होने वाला है लेवल का। तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कुछ हाइप बनेगी, कुछ नई चीज़ें होंगी, तो उस चीज़ के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हाइलाइट्स भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। क्योंकि रिएक्शन के साथ साथ कुछ नया ट्राई करना चाहिए ना, तो वही चीज़ बस मैं कर रहा हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो जो नेक्स्ट मैच निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है गुंथर वर्सेस, जी हाँ गाइस, डेमियन प्रिस्ट के लिए। तो गाइस ये WWE ने ऑफिशियली मैच भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि गुंथर भी यहाँ पर अच्छा रेसलर हैं और जिस तरह से पुश मिलता आ रहा है उन्हें, सिंगल मैच में उन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार के वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो टाइटल है वो ऑब्वियसली गुंथर ही जीतना चाहिए। और डेमियन प्रिस्ट तो वापस रियल अफ्रीका रिटर्न तो हो चुका है, तो उन्हीं के साथ में कंटिन्यू का प्रॉब्लम होने वाला है, क्या नहीं भी होगा, देखते हैं क्या करते हैं WWE इसके बारे में क्या प्लान करते हैं। और जो नेक्स्ट मैच WWE ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया वो क्या, लॉगन पॉल वर्सेस LA Knight। या गाइस ये मैच भी एक और WWE ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, बाकी मैच हमारे प्रेडिक्शंस थे, तो और भी मैचेस हैं। तो इस मैच में किसका विनर ज़्यादा चांसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रेटिंग के हिसाब से निकल क्या हुआ है LA Knight, बिकॉज जब से मैं बात करता हूँ कि लॉगन पॉल जब से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने हैं तब से वो आई थिंक एक या तीन बार मैच उन्होंने डिफेंस किया, और बस इसके बाद तो वो पार्ट टाइम मतलब पांच लोग तीन बार डिफेंस करना ये कौन से चैंपियन की यार खास बात है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि LA Knight यहाँ पर मैच जीत करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू रेसलर भी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, जो अभी हाल ही में रिटर्न हुआ है रिया रेफली का, जजमेंट डे की मेंबर। तो रिया रेफली जो है अभी मंडे नाइट में अपना अनाउंसमेंट भी करेंगे डोमिनिक मिस्ट्री को लेकर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन को ये टाइटल वापस रिटर्न नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि लिव मॉर्गन को ज़्यादा नहीं केवल इंजरी हुई थी, इस वजह से लिव मॉर्गन को पुश मिला था और ज़्यादा कोई मुझे सेंस लगता नहीं कि आज कंटिन्यू होगा। तो रिया रेफली को ही कंटिन्यू चैंपियन बनाना चाहिए, बाकी WWE वाले के साथ कुछ भी हो सकता है। और जो नेक्स्ट मैच हम ऑफिशियली तो नहीं बोलूँगा, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है, बट हाँ रूमर्स हैं। तो रूमर्स इस तरह हैं कि बियंका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स, तो ये मैच में मैं बोल सकता हूँ कि यार किसी तरह से कंफर्म है भी और नहीं भी, 50-50 की चांस है। और अगर ये मैच होता है तो मुझे लगता है बियंका ब्लेयर इस मैच को आराम से बैली इस मैच को इजीली जीत जाएगी, माय बैड। सो बैली इस मैच को आराम से जीत जाएंगी और नाया जैक्स ऑब्वियसली हार जाएंगे। मुझे लगता है लास्ट में ना यहाँ पर टेफनी जो है वो लास्ट में मनी इन द बैंक कैश इन करके मैच जीतने वाली है। और बाकी आपको प्रेडिक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो इसमें 50-50 चांस मुझे लगता है, बिकॉज जिस तरह से रैंडी ओर्टन, तो आप लोग हिंदी में समझ गए तो मैं यहाँ लगाता हूँ, रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। हाल ही में स्मैकडाउन में कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन में जिस तरह से ब्रूटल अटैक हुआ, तो रैंडी ओर्टन मुझे लगता है कि इंजर्ड है, तो वो भी मैं भी रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे तो वो चीज़ अलग निकल के आ रही है। तो अगर ये रैंडी ओर्टन फिजिकली फिट रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें 18 months लगे थे रिकवर होने के लिए, अगर वो कंटिन्यू करते तो मैच ऑफिशियली हो सकता है। और यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि कोडी रोड्स इस मैच को जीत ले, क्योंकि रैंडी ओर्टन अभी एजर्ड हो गए, वो रिटायरमेंट जरूर लेंगे। एंड बात करते हैं WWE के सबसे बड़े समर स्लैम के पेपर व्यू मैच की, जो कि होगा सोलो सिकुआ वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स। ये ब्लड लाइन का मैच का जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा गाइस, इस मैच के लिए ना मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। अगर ये मैच मैं नहीं देख पाया ना तो क्या बोलूँ, इस मैच के लिए मैं जितना एक्साइटमेंट हूँ आप भी उतना एक्साइटमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में फुल बॉक्स भर दो उसको, जितना हो सकता है उतना भर दो और लाल बटन को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दो, क्योंकि इसके जो प्रेडिक्शन होने वाले ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। बिकॉज मैं नहीं बोल सकता इस मैच में रोमन रिंग जीतेगा या सोलो सिकुआ जीतेगा, रोमन रिंग जीतेगा तो क्या यहाँ पर जय और जिमी दोनों मिलकर रोमन रिंग का साथ देंगे। अगर सोलो सिकुआ यहाँ आता तो टामा टोंगा
जेको फार टू, टोमाटाइन, अरे पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे नाम आते हैं। तो ये ब्लड लाइन का मेंबर 2.0 वर्सेस 1.0 का मैच हमें देखने को मिलेगा और समर स्लैम का सबसे बड़ा बिगेस्ट मैच होगा और यहाँ पर बहुत सारे सुपरस्टार्स अमेरिकन देखने को मिलेंगे। तो इस मैच में इतना ही था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, अगर आपने इंजॉय किया तो फटाफट से लाल बटन वाले सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया पे फैला दो, इस मैचेस को दूर फैला दो। प्रेडिक्शंस आ चुके वो भी रेस्टिंग डेली चैनल पे। मिलूंगा मैं हाइलाइट्स पे कुछ नई वीडियोस में नए अपडेट्स के साथ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।